नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। देखिए, महागठबंधन की नई सरकार है बिहार में और अब मंत्री परिषद का गठन किया जाना है। नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री और तेजस्वी यादव ने डिप्टी सीएम की शपथ ली है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि बाकी सारे मंत्री कौन होंगे। तो खबर ये आ रही है कि महागठबंधन में राजद के हिस्से के जो मंत्री बनाए जाने हैं उनके नामों पर चर्चा हो चुकी है। तेजस्वी यादव लिस्ट लेकर गए थे दिल्ली, लालू यादव से विचार हो गया है। जब तेजस्वी यादव पटना लौटेंगे तो उनके पास लिस्ट होगी जिसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को प्रेषित कर दिया जाएगा। चर्चा यह भी है कि नीतीश कुमार भी दिल्ली जाने वाले हैं, वे वहां लालू यादव से और सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे। जेडीयू के नेशनल प्रेसिडेंट ललन सिंह ने कल शाम जाकर लालू यादव से मुलाकात की थी और आशीर्वाद प्राप्त किया था 2024 के चुनाव में विजय प्राप्त करने को। खैर, तो देखिए, राजद की बात तो हो रही है, अब बड़ा सवाल ये है कि जेडीयू के खाते से कौन कौन लोग मंत्री हो रहे हैं। क्या 2020 में जो मंत्री बनाए गए थे वे सभी बरकरार रहेंगे या उनमें कोई हेरफेर होगा या और कोई नए मंत्री बनेंगे। तो देखिए, खबरें ये आ रही हैं कि महागठबंधन की जो सरकार है जिसके मुखिया नीतीश कुमार हैं, तेजस्वी यादव हैं, उसमें भी जेडीयू के पुराने सभी मंत्रियों को फिर से स्थान मिल सकता है। अभी देखिए, जो एनडीए की सरकार थी जिसमें जेडीयू की हिस्सेदारी थी, उसमें बीजेपी के साथ जेडीयू के खाते से नीतीश कुमार समेत 12 मंत्री थे और सुमित कुमार सिंह निर्दलीय को भी मंत्री बनाया गया था जो नीतीश कुमार की सरकार को समर्थन दे रहे थे। इस बार भी वे महागठबंधन की सरकार को समर्थन दे रहे हैं। तो जानकारी ये मिल रही है कि जेडीयू के पुराने मंत्रियों को कह दिया गया है कि आपको कहीं नहीं जाना है। यदि आप 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के समारोह में शामिल होने को कहीं जा भी रहे हैं तो शाम तक लौट आना है। 16 अगस्त को इस बात की संभावना जताई जा रही है कि बिहार में मंत्रिपरिषद का विस्तार होगा और राजद जेडीयू हम के मंत्री शपथ लेंगे। तो देखिए, अब सवाल ये कि जेडीयू के क्या पुराने सभी मंत्री, अब कौन कौन पुराने मंत्री, बिजेंद्र यादव, अशोक चौधरी, संजय झा, विजय कुमार चौधरी, लेसी सिंह, शीला मंडल, जयंत राज, जमा खान, सुनील कुमार, श्रवण कुमार, मदन सहनी, ये पुराने मंत्री। तो अब जो नई सूचना है कि इन सारे मंत्रियों को फिर से शपथ दिलाई जा सकती है। इनमें से एक दो नामों पर बीच में कई तरीके की चर्चाएं चली, पुराने रिश्तों की बात हुई आरसीपी सिंह के साथ, लेकिन अब यह माना जा रहा है कि देखिए, जब दुश्मन सतर्क है और दुश्मन हमलावर मुद्रा में है और वह तोड़फोड़ की कोशिश में लगा है तो किसी को नाराज नहीं करना है। जो पुराने हैं उन्हें बने रहने दिया जाए, इसलिए आप चेंजेस नहीं देख सकते। बहुत ही विपरीत परिस्थितियां हुई तो शायद एक दो बदल जाएं, लेकिन नए मंत्रियों में उपेंद्र कुशवाहा का मंत्री बनना तय है। और यह भी बताया जा रहा है कि विभागों का बंटवारा देखिए विधायकों और मंत्री बनने वालों के हिसाब से किया जाएगा। ऐसा नहीं कि जो एनडीए की सरकार में था या 2015 में महागठबंधन की सरकार में था उसी हिसाब से विभागों का बंटवारा कर दिया जाएगा। इसके पीछे कारण ये है कि आरजेडी के पास जो विधायक हैं उनमें क्षमता देखी जा रही है कि वे किस विभाग को किस तरीके से चला सकते हैं। इसलिए विभागों की महत्ता और विधायकों की जो योग्यता है उसका भी अध्ययन किया जा रहा है। तो उपेंद्र कुशवाहा का मंत्री बनना तय है, एक आधा और नाम जुड़ सकते हैं। नीतीश कुमार इस बारे में रायशुमारी कर रहे होंगे, लेकिन आपको जेडीयू की लिस्ट में बहुत सारे नए नाम नहीं दिखेंगे और जो पुराने नाम हैं वे प्रायः करीब करीब सभी दिखेंगे। यह बात, इस बात की खबर अभी अभी हमें मिली है। देखिए, राजनीति में और सत्ता में जब निर्माण होता है तो खबरें हर मिनट बदल भी जाती हैं। वैसे भी नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि वे अपना फैसला अंत तक किसी को नहीं बताते हैं और मंत्रियों की बात तब पक्की मानी जाती है जब शपथ के लिए वारंट प्राप्त हो जाए, मतलब राजभवन से बुलावा आ जाए। बहरहाल, आप बने रहिए लाइव सिटी के साथ। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।